और मैं आपको बता दूं कि आज हमारे कॉलेज से करीबन 60 बच्चे जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश को जाने कार्यक्रम जो हमारे NSS के द्वारा हर एक साल चलाया जाता है, इसमें इस बार भी हमारे करीबन 60 बच्चे जा रहे हैं। तो हम लोग इस बार मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित उदयगिरी की गुफा को देखने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया था, हम उदयगिरी पहुंच चुके हैं और हम अभी है टिकट काउंटर पे। तो यहां से टिकट हम लोगों ने ले लिया है। एक व्यक्ति का टिकट 25 रुपये में पड़ता है भारतीय नागरिक का, और अगर आप पेटीएम से स्कैन करके अगर पूरा फॉर्म भरते हैं तो आपको 5 रुपये की छूट मिलेगी। तो आप पर व्यक्ति 20 रुपये में अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विदेशी नागरिक है तो आपको यहाँ 300 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से आपको टिकट लगेगा। बाकी हम अभी टिकट ले चुके हैं और अभी अंदर जाएंगे, तो अब आपको अंदर दिखाएंगे। गुफा है और पहाड़ है, तो बहुत से कैमरामैन थोड़ा इधर फोकस करो ताकि वो देखेंगे। उसके बाद हम आपको मिलवाते हैं ऊपर जाने के बाद। कर दो तो ये आपको कुछ गुफा के बारे में और यहाँ जो पुरातन व्यवस्था है उसके बारे में बताएंगे। तो भैया बनी हुई है 4th century AD, मतलब गुप्ता एम्पायर, और यहाँ पे 20 रॉक का टेम्पल है। 20 20 में से दो जैन धर्म के, एक नंबर और 20 नंबर जैन धर्म के, बाकी जो 18 है वो सारे हिंदू टेम्पल है। और यहाँ पे मतलब पहले जो मूर्तिकला थी तीन तरह की बनती थी, मूर्तिकला तीन तरह की बनाई जाती थी, गांधारा, मथुरा और अमरावती, तीन तरह की। तो यहाँ पे देखेंगे गांधारा जो बनाई जाती थी, गांधारा आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। यहाँ पे कुछ मतलब गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन पीरियड बोला जाता है, मतलब हिंदू धर्म की मूर्ति बनाना गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ सबसे प्राचीन है वर्ल्ड में, जो सबसे फर्स्ट मूर्ति जो बनी थी ना वो यहाँ पे है। ऐसे आप देखेंगे नरसिंह भगवान की, ठीक है, सबसे प्राचीन है। गणेश जी की सबसे ओल्डेस्ट है। और यहाँ पे आपने शिवलिंग बहुत सारे देखोगे, मतलब ऐसा शिवलिंग नहीं देखोगा। पंचमुखी शिवलिंग आपने देखा होगा, पंचमुखी 5 शहर है, मगर वो नेपाल पशुपतिनाथ में, मंदसौर में भी है। मगर यहाँ पे शिव एक मुख शिवलिंग है, मतलब शिवलिंग में शिव जी का पूरा फेस है। और
ये सब कुछ कैप्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई हैं, मतलब कुछ तोड़ दी गई हैं, और कुछ ब्लैंक जो देख रहे हैं ना उसमें पहले था ये, तो अभी ये नहीं कह सकते किसने डिस्ट्रॉय किया किस टाइम, ये अभी तक कोई लिखित में नहीं है। तो यहाँ पे जो पहले जो साजन से पहले रियासतों को बंटवारा था, तो ये उदयगिरी है ना, ये ग्वालियर रियासत सीमा लगती थी माधवराव शिंदे जो है ना वहाँ के राजा, तो यहाँ विदिशा जो ये विदिशा जन पास है उन्हीं के यहाँ तक सीमा लगती थी, तो उनका एक अभी ऊपर जाओगे ना आप गेस्ट हाउस में उन्हीं के टाइम का, और ये जो नोटिस बोर्ड आप सामने देखते हैं नोटिस बोर्ड लगा हुआ उन्हीं के टाइम पर लगा हुआ। तो यहाँ पे जो ब्लैंक दिख रहा है ना वो खाली है ना, इनमें इनकी यहाँ की सारी मूर्ति ग्वालियर रखी हुई है, दूसरी पहले जो मानसिक तोमर लगा हुआ दूसरी यहाँ की सारी मूर्ति वहाँ पर रखी हुई है, और यहाँ पे आपने 12 भगवान को देखे हुए, यहाँ पे विष्णु भगवान के 3 अवतार दिखाए हैं, यहाँ पे उदयगिरी में विष्णु भगवान काफ़ी महत्व दिया है, क्योंकि जो चंद्रशेखर जो थे ना उन्होंने जो बनवाए ये विष्णु भगवान को ज़्यादा मानते थे, तो यहाँ पे विष्णु भगवान के 3 अवतार हुए, मतलब 9 अवतार हुए, मतलब 3 अवतार यहाँ पे दिखाई है, पूर्व अवतार जो समुद्र मंथन में हुआ था, 12 भगवान का हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भूदेवी को निकालने के लिए, और नरसिंह अवतार कैलाश को बचाने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, ये सारे और ये सारे मैन मेड है, नेचुरल नहीं, ये मैन मेड है सारे। और मैन मेड में से यहाँ पे कुछ ये जो सैंड स्टोन है, ये पूरा स्टोन है ना सैंड स्टोन किससे बनता है, समुद्र से बनता है, ये ऊपर आप जाओगे ना यहाँ से तो जो फॉसिल्स, आप कभी फॉसिल देखे आपने, फॉसिल्स होते हैं समुद्र में जो प्लांट होता है प्लांट उसमें दब जाता है, ऊपर फॉसिल्स लगा है, फॉसिल्स मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो उदयगिरी का जो पहाड़ है ना पहले पानी में डूबा हुआ था, पानी में डूबा था, तो यहाँ पे कुछ फॉसिल्स भी मिलेंगे आपके लिए, और कुछ लेयर वाइज जो लेयर होता है ना समुद्र का जो पानी होता है धीरे निकल जाता है ऊपर वो भी है। तो यहाँ पे ऊपर जाओगे 20 नंबर में आप जैसे एंट्री करोगे ना वहाँ पे जो सन वॉच मतलब सूर्य घड़ी होती है, सूर्य घड़ी 20 नंबर पे लगी हुई है, बाहर साइड में लगी हुई है, तो आप ध्यान से देखो वो देखोगे, और 1 नंबर में पार्श्वनाथ भगवान है और 20 नंबर शीतलनाथ भगवान है, ये दोनों अभी क्या है आप देखो ये सिंगल स्टोन का है, मगर ये जो मूर्ति है ना 1 नंबर और 20 नंबर इनको बाद में रखी गई है, 1 नंबर से उदयगिरी का नाम पड़ा हुआ है, 21 जून जो सबसे बड़ा लॉन्ग डे होता है ना 21 जून उस दिन सूर्य भगवान की पहली किरण उस गुफा पे पड़ती है, सूर्य का उदय गिरियाना पहाड़ उदयगिरी का नाम उसी गुफा से पड़ा हुआ है। आप ऊपर से जाओगे ना टॉप पर जाओगे ना वहाँ से सीधा देखना उस साइड एक टेम्पल दिखेगा आपको नंबर, वैसे वो जैन में कन्वर्ट कर दिया जैन टेम्पल कहलाने लगा मगर वो हिंदू टेम्पल ये पहले, तो वो आप वहाँ से देखो सीधा दिखेगा आपको सामने। और यहाँ से स्टार्ट करो आप यहाँ से जाके पहले जो चंद्रशेखर ने जब यहाँ पे विजिट किया था तो उनके द्वारा जो स्क्रिप्ट लिखा गया था उसी से पहचान हुई है कि ये गुप्ता एम्पायर का हो ये वाला पूरा, और उन्हीं के द्वारा ये मतलब चूंकि एक मिनिस्टर बीस सैन है तो बीस सैन ने ये गुफाओं को बनाया क्योंकि दो कैपिटल थी पाटलिपुत्र और उज्जैन, दो कैपिटल दिए तो पाटलिपुत्र से आए हैं और यहाँ पे रुके हुए हैं, और उनके द्वारा ये यहाँ से जो उनके जो मिनिस्टर थे उन्हें यहाँ पे रखे ये 20 टेम्पल बनाए गए हैं सारे। तो यहाँ से देख के आप 7 नंबर देखोगे 6 नंबर 5 नंबर तो यहाँ से घूमते हुए वो देख लीजिए, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ के उस साइड। थैंक यू भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लगभग 450 ईस्वी में लिखा गया था गुप्त काल में, ये सारी गुफाएं हैं ना गुप्त काल में, ये देखो ये बाल गोपाल हैं, ये बाल गोपाल एकदम बच्चे भी बैठते हैं इनके ऊपर भी मुकुट वगैरह कुछ नहीं है, तो ये भी दुनिया के सबसे पहले यहाँ पे 3 गणेश जी हैं, तो दो हम देख चुके हैं वो रेडियो और एक ऊपर पूर्ण स्वरूप में ऊपर है, तो ये गुप्त काल का जो पहला अभिलेख है ना वो यही लिखा गया, तो उन्हीं में से नहीं वो पढ़ाया चुका है ना मैं एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ।
लोग यहाँ पे ये नाम लिखे देख रहे हैं, हम लोग एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल पे हैं, लगभग 1600 साल पुरानी गुफा यहाँ पे है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आयुष, कनक और बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। और नीचे से लगा के ऊपर तक हम यहाँ पहाड़ी पे आए हैं, इस तरह के हजारों नाम पत्थरों पे लिखे हुए हैं। तो इसको लिखने से आपका प्यार मुकम्मल हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। इससे ये जरूर होता है कि हमारी भारतीय सभ्यता पे आप कलंक साबित हो रहे हैं। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि हमारे हिस्टोरिकल प्लेस पे कभी भी अपने नाम ना लिखें। ये मिट्टी हमारी है, ये धरोहर हमारी है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जय हिंद। Sorry for me, gonna just prove history. You say
Just perfect story.